लैपलास इक्वेशन। द इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड लैपलास इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लैपलास इक्वेशन अंडर सम बाउंड्री कंडीशंस, दैट इज सॉल्व द इक्वेशन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस यू जीरो वाई इक्वल टू यू एल वाई इक्वल टू यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो एंड यू एक्स ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स बाय एल। वी सॉल्व दिस इक्वेशन विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। लेट द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बी यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई वेयर कैपिटल एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड कैपिटल वाई इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स जो इक्वेशन मुझे दिया गया है उसमें भी यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स डबल डैश वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार करेंगे तो मुझे डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसलिए इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक्स डबल डैश वाई प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। अब अगर हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करते हैं मीन्स एक्स वाले को एक साइड में वाई वाले को एक साइड में रखते हैं तो हमें मिलता है एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश बाय कैपिटल वाई इक्वल टू नहीं मीन्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है यह केवल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल एक्स केवल एक्स का फंक्शन है मीन्स एल एच एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वेयर एज राइट हैंड साइड जो हमारा है वह केवल वाई का फंक्शन है एंड बोथ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो ये तभी फिजिबल हो सकता है जब यह दोनों किसी दिए गए किसी एक कॉन्स्टेंट के बराबर हो। हम लोगों ने उस कॉन्स्टेंट को म्यू एज्यूम कर लिया। अब कॉन्स्टेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ म्यू वी कंसिडर द थ्री डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट से पहले मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं, मीन जब आप इसको म्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारा फॉर्म यह हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इक्वल टू जीरो। इसको सपोज मैंने थ्री ए इक्वेशन एज्यूम किया एंड दूसरा इसको जब आप म्यू से कंपेयर करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस म्यू वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज सपोज थ्री बी व्हेन म्यू इज पॉजिटिव एंड सपोज इट इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। इन दैट कंडीशन इक्वेशन थ्री एंड थ्री बी बिकम्स एक्स डबल डैश माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई डबल डैश प्लस लेमडा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। जब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर लेमडा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाला, मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। सिंपल वे है कि हम लोगों ने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा हो गया, इसलिए इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया सी वन ई की पावर लेमडा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस लेमडा एक्स। सिमिलर वे में जब y डबल डैश वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा लेमडा का सॉरी m का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस लेमडा आयोटा, देयर फोर y इक्वल टू सी वन कॉस लेमडा वाई प्लस सी टू सॉरी सी वन के स्थान पे ये गलती से मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया है सी थ्री मैं लिख रहा हूँ इसको, ये हमारा कॉन्स्टेंट है सी थ्री कॉस लेमडा वाई प्लस सी फोर साइन
लैम्डा वाई एफ ओ। अब सॉल्यूशन यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू सी थ्री कॉस लैम्डा वाई प्लस सी फोर साइन लैम्डा वाई। अब हम लोग के पास जो कंडीशंस हैं उस सारे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, मीन्स जब एक्स जीरो के बराबर है तो यू एक्स वाई जीरो होगा। अब हम लोग इस वैल्यू में यू एक्स वाई का जो वैल्यू है इसमें एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिल जाएगा, जीरो इक्वल टू सी वन ई की पावर जीरो इंटू लेमडा, दैट इज सी वन ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन, इसलिए हम इसको लिखे सी वन प्लस सिमिलरली इसका वैल्यू हमारा केवल सी टू हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर जीरो होने का मतलब है वन हो जाएगा। सी वन प्लस सी टू इंटू सी थ्री कॉस लेमडा वाई प्लस सी फोर साइन लेमडा वाई, दिस इम्प्लाय सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये पूरा वैल्यू जो हमारा है यह जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यह जीरो के बराबर हो जाता है तो यू एक्स वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या हो गया, सी वन प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाय सी वन इक्वल टू माइनस सी टू। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास है यू एल वाई, मीन्स वेन एक्स इक्वल टू एल यू एक्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो। सिमिलर वे में अब इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, आप यहाँ वैल्यू रखकर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सी वन ई की पावर एल लेमडा प्लस सी टू ई की पावर माइनस एल लेमडा सी थ्री कॉस लेमडा वाई प्लस सी फोर साइन लेमडा वाई। अब इसमें मैंने सी वन को कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सी टू भी हमारा जो है वो माइनस सी वन के बराबर है, इससे हमारा हो जाएगा सी वन ई की पावर एल लेमडा माइनस ई की पावर माइनस एल लेमडा सी थ्री कॉस लेमडा वाई प्लस सी फोर साइन लेमडा वाई। अब इससे मुझे यह जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, पीछे मैंने इसका लॉजिक बता दिया, यह भी जीरो के बराबर नहीं होगा, दैट इज सी वन इक्वल टू जीरो। सी वन जीरो के बराबर होने का मतलब है सी टू भी जीरो के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी टू माइनस सी वन के बराबर है। ठीक है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, सी वन सी टू अगर दोनों जीरो के बराबर हो जाए, यह दोनों जीरो के बराबर होने का मतलब है कि यह पूरा हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा, एंड कंसिक्वेंटली यू एक्स वाई विल बी जीरो, देयरफोर दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड एज वी गेट यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इसलिए जब म्यू पॉजिटिव हो जो सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी कंसिडर द अनदर केस व्हेन म्यू इज जीरो, केस टू व्हेन म्यू इक्वल टू जीरो, इससे हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाता है एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो, एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो एंड वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो इम्प्लाय एक्स इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू, और जब वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा वाई इक्वल टू सी थ्री वाई प्लस सी फोर। देयर फोर यू एक्स वाई जो हमारा सॉल्यूशन होगा या किसके बराबर होता था, एक्स वाई के बराबर, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यह हो जाएगा सी वन एक्स प्लस सी टू सी थ्री वाई प्लस सी फोर। अब बाउंड्री कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन दिया गया था यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू जीरो इन यू एक्स वाई, वी गेट सी वन इंटू जीरो मीन्स पहला टर्म जीरो हो गया, सी टू सी थ्री वाई प्लस सी फोर, दिस इम्प्लाय सी टू इक्वल टू जीरो। एंड अनदर बाउंड्री कंडीशन इज व्हेन एक्स इक्वल टू एल यू एक्स वाई विल बी इक्वल टू जीरो, वी सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू एल सी वन एल प्लस सी टू, सी टू इज ऑलरेडी जीरो, देयरफोर सी वन एल इंटू सी थ्री वाई प्लस सी फोर, दिस इम्प्लाय सी वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यह होल जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आप इस पूरे को जीरो के बराबर एज्यूम करते हैं उस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन जो होगा वह जीरो सॉल्यूशन होगा। नाउ सी वन एंड सी टू बोथ आर जीरो, दिस इम्प्लाय
सी वन एक्स प्लस सी टू इज जीरो, कंसिक्वेंटली यू एक्स वाई विल बी जीरो, यह जीरो के बराबर है, में जीरो सॉल्यूशन है, हेंस सॉल्यूशन ऑफ टेंड इज रिजेक्टेड, मीन्स व्हेन म्यू इज जीरो दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड. नेक्स्ट वी कंसिडर द थर्ड केसेस, थर्ड केस व्हेन म्यू इज निगेटिव, म्यू इज निगेटिव एंड वी एज्यूम इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर. इन दैट कंडीशन आवर इक्वेशन 3a एंड 3b रिड्यूसेस टू एक्स डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स. सिमिलरली वाई डबल डैश माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वाई इक्वल टू सी थ्री ई की पावर लैम्डा वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस लैम्डा वाई. देयरफॉर यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स इंटू सी थ्री ई की पावर लैम्डा वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस लैम्डा वाई. नाउ वी आर गोइंग टू इम्पोज द बाउंड्री कंडीशंस गिवन टू अस ऑन इक्वेशन फोर. पहली बाउंड्री कंडीशंस जो हमारी थी मीन्स व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो यू एक्स वाई विल बी जीरो. इस कंडीशन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यू जीरो वाई इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज जब हम एक्स के स्थान पे जीरो रखते हैं तो मुझे जीरो मिलेगा सॉल्यूशन जीरो. अब एक्स के स्थान पे आप जीरो सब्स्टिट्यूट कीजिए, इससे क्या हो जाएगा सी वन कॉस जीरो दैट इज सी वन, और साइन जीरो का मतलब जीरो है तो ये हमारा जीरो हो जाएगा. इसलिए इस टर्म को मैंने नहीं लिखा, ये हमारा हो गया सी वन सी थ्री की पावर लैम्डा वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस लैम्डा वाई. हम लोगों ने काफी बार मैं काफी बार इस बात को बता चुका हूं कि यह हम लोग जीरो के बराबर एज्यूम नहीं करेंगे. दिस इम्प्लाइज सी वन इक्वल टू जीरो. एंड नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज यू एल वाई इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाइज आप एक्स के स्थान पे एल रखिए, जीरो इक्वल टू सी वन हमारा ऑलरेडी जीरो हो चुका है इसलिए मैं नहीं सी, यह वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा. सी टू साई लेमडा एल इंटू सी थ्री ई की पावर लेमडा वाई प्लस सी फोर ई की पावर माइनस लेमडा वाई, यह हमारा जीरो के बराबर है. फिर यह जीरो के बराबर नहीं होगा, सी टू जीरो के बराबर नहीं होगा, साइन लेमडा एल विल बी इक्वल टू जीरो, देयर फोर विल बी इक्वल टू साइन एन पाई. दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू एन पाई बाय एल, लेमडा का वैल्यू हमारा आ गया एन पाई बाय एल. अगेन जो हमारा तीसरा बाउंड्री कंडीशन था यू एक्स जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स वाई के स्थान पे जीरो रख रहे हैं हम लोग, इससे हमारा क्या हो जाएगा सी टू साइन लेमडा एक्स सी थ्री प्लस सी फोर इक्वल टू जीरो. दिस इम्प्लाय सी थ्री प्लस सी फोर इक्वल टू जीरो, सी थ्री इक्वल टू माइनस सी फोर. अब जो तीनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हम लोग को मिला है उस सबको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यू एक्स वाई के वैल्यू में. हम लोग को क्या क्या मिला है, फर्स्ट मिला है सी वन इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू एन पाई बाय एल एंड सी थ्री इक्वल टू माइनस सी फोर. मैं इसे ग्रीन से कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं सी वन इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू एन पाई बाय एल एंड सी थ्री इक्वल टू माइनस सी फोर. ये सारे वैल्यू अगर आप इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिल रहा है सी वन जीरो है, इस टर्म को छोड़ दिए सी टू साइन एन पाई एक्स बाय एल, क्योंकि लेमडा जो हमारा था वह एन पाई बाय एल के बराबर है. सी थ्री ई की पावर लेमडा वाई के स्थान पे हो जाएगा ई की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस सी थ्री माई ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा के स्थान पे हो गया एन पाई वाई बाय एल दिस. अब सी टू सी थ्री कॉन्स्टेंट को मैंने मान लिया इट इज इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट ए साइन एन पाई एक्स बाय एल ई की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई वाई बाय एल. अब हम लोग लास्ट बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जो हमारा था यू
एक्स ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स बाय एल, मीन्स वाई के स्थान पे ए सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू, अब हम लोग जो पुराना रिलेशन था उसमें से y के स्थान पे a सब्स्टिट्यूट करें, इससे हमारा हो जाएगा a साइन n पाई x बाय l e की पावर n पाई y बाय l था, तो यहाँ हमारा हो गया e की पावर n पाई a बाय l माइनस e की पावर माइनस n पाई a बाय l, ये और ये आपस में हो गया कैंसिल, इसलिए हम a को लिख सकते हैं वन अपॉन दिस e की पावर n पाई a बाय l माइनस e की पावर माइनस n पाई a बाय l, दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल, क्योंकि हम लोगों को पता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, यह जो हमारा होता है यह साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होता था, इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ यूज किया है। देयरफॉर यू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें क्या लिख सकते हैं, इससे सॉरी यहाँ यू एक्स वाई का वैल्यू हमारा हो जाएगा, वहां हमारा हो रहा था ए साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू ई की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई वाई बाय एल था, यहाँ मैंने ई की पावर एन पाई वाई बाय एल माइनस ई की पावर माइनस एन पाई वाई बाय एल को पहले लिखा, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए जो हमारा था 1/2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल के बराबर इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल। सिमिलर वे में इसको भी लिखा जा सकता है 2 साइन हाइपरबोलिक एन पाई बाय वाई एन पाई वाई बाय एल, ये इसमें 2 आता है ये और ये 2 कैंसिल हो गया, बस ये साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई बाय एल बाय साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यह जो सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला, लिख देता हूं मैं, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।